मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? और मेरे वीडियो से आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलता होगा, है ना? इसके पहले भी मैंने आप लोगों को निबंध लिख कर दिए हैं, यूट्यूब में मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर जो बच्चे पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे शालिनी हुबलीकर चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियोस भी आप लोग को सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए, ठीक है? तो आज जो मैं निबंध डालने जा रही हूँ आप लोग को, वो है ऊर्जा बचत यानी एनर्जी सेविंग। या शतकातील सर्वात गहन व महत्त्वाचा विषय म्हणजे ऊर्जा बचत। आपल्या विजेच्या बिलात, गाडीच्या इंधनाच्या टाकीवर, जो गाडी की जो पेट्रोल की टंकी रहती ना उसके ऊपर, पेट्रोलियम कंपन्यांच्या विविध पत्रकांवर, पेट्रोलियम कंपनीज होती है उसके हर पेपर्स पे, टीव्हीवर, रेडिओवर, त्याचप्रमाणे सगळ्याच वर्तमानपत्रात ऊर्जा बचतीवर काही ना काही सूचना नेहमीच लिहिलेल्या असतात। हम लोग देखते हैं ना कि बिजली बचाओ, इंधन बचाओ, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, तो ऐसे कहीं ना कहीं पर लिखा हुआ हमें हमेशा दिखाई देता है। गेल्या काही वर्षात ऊर्जा या विषयावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागृती व्हावी असे का? अभी कुछ सालों में अभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, एनर्जी की सेविंग के बारे में लोग सबसे ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जागरूक होना यानी अवेयर होना। एवढ्या निकडीचे काय गरज, इतनी क्या अर्जेंट जरूरी आ गई? ऊर्जेशिवाय विश्वात राम नाही, ऊर्जेशिवाय सगळ्या गोष्टी माती मोल होते, सगळी सृष्टी ऊर्जेवर जगते, विविध प्रकारचा नैसर्गिक व मानवनिर्मित ऊर्जा आपले जीवन सुखमय करतात। अभी नैसर्गिक ऊर्जा मीन्स क्या? सनलाइट, सनलाइट हम लोग को नेचुरली मिलता है और इंसानों ने जो तैयार की हुई है वह एनर्जी। सूर्य हा सर्वात मोठा ब्रह्मांडातील सर्वात मोठा ऊर्जा स्रोत आहे। अभी ये जो सन जो है वो पूरे वर्ल्ड में का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सर्व ग्रहमाला या दिवाकरच्या याच कारणामुळे दावणीला असतात। मानवाच्या विचारशक्तीच्या पलीकडचा ऊर्जा स्रोत असल्यामुळे त्याच्यावर अंकुश ठेवू शकत नाही। आणि सनलाइट जो है वो नॅचरल होने की वजह से आज तक इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाया है। कहां तक? सन तक। कभी उन लोगों ने सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर जल के खाक हो जाएंगे। तो आपल्या ठराविक गतीने रोज सकाळी ऊर्जा सगळ्यांना देत असतो। भौतिक शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे एनर्जी कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, ओनली इट कॅन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है उसे हम लोग डिस्ट्रॉइड नहीं कर सकते हैं, ना उसे हम बना सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पृथ्वीवर खनिज तेलाच्या रूपाने ऊर्जेचा साठा आहे। जगातील अफाट लोकसंख्या पाहता ही ऊर्जा लवकरच संपुष्टात येईल, म्हणून ऊर्जा बचतीकडे माणसांचे लक्ष आहे। अभी पॉप्युलेशन इतना बढ़ते जा रहा है कि वो हिसाब से एनर्जी जो है वो कम है, इसके लिए अभी एनर्जी सेविंग की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पेट्रोल, डीजेल, केरोसिन, गैस इत्यादि पेट्रोलियम पदार्थ बचतीचे विशेष प्रयत्न चालू आहेत। पुढच्या पिढीलाही सुखमय होण्यासाठी ऊर्जा बचत करायचे आहेत, त्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करावा। तो हम लोग किस तरह से सेव कर सकते हैं एनर्जी? जो हमारे गवर्नमेंट ने जो हम लोग को ट्रैवलिंग फैसिलिटीज दी है, ट्रेन, बस, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। विजेचा वापर ही कमी करावा व गरजेनुसार करावे। ऊर्जेचा वापर कमी व गरजेनुसार करावे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो कम करना चाहिए और जरूरत के मुताबिक इतना ही करना चाहिए, वरना बेडरूम के सब लाइट्स, पंखे, एसी सब चालू है और सब लोग बाहर हॉल में आके बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है? छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम।
प्रामुख्याने सौर ऊर्जा व जैविक ऊर्जा प्राथमिक स्वरूपात वापरात येत आहेत. पाण्याचे विघटन करून त्यापासून ऊर्जा मिळवण्याचे संशोधन चालू आहे. एवढे करूनही आपल्याला ऊर्जेची बचत करणे गरजेचे आहे, तरच आपण ऊर्जेचा चिरंतन काळासाठी वापर करू शकतो. तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ऊर्जा बचत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आप लोग निबंध जो होते हैं लिखते समय, एक तो काना मात्रा वेलांटी में गलतियां मत कीजिएगा, और एक निबंध प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार लिख कर निकालना होगा. नहीं तो जाएंगे फटाफट प्रिंट आउट निकालोगे और लेके बैठ जाओगे, और रीड करने से कुछ होने वाला है नहीं. कितना भी रीड करो आप लोग, लिखने में आप लोगों से गलतियाँ बहुत होती है. 5 मार्क का ऐसे में तो आप लोग की गलतियों में ही सारे मार्क चले जाते हैं और मिलता है बहुत बड़ा अंडा. अगर आप लोग को अंडे का फंडा नहीं चाहिए तो लिखने की प्रैक्टिस करो. नॉर्मली मैंने देखा है कि हिंदी और मराठी के जो बच्चे हैं उन लोगों के जो पेपर्स हैं ना, वो छूट जाते हैं. क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि लिखने की स्पीड नहीं है आप लोगों को, इसकी वजह से आप लोग के पेपर छूट जाते हैं. और पेपर किस तरह से लिखना चाहिए उसका पैटर्न भी आपको पता नहीं है. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं मेरे उसके बारे में के जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं क्वेश्चन पेपर के साथ में कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोस देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम्स में अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगले अभी एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं यूनिट 2 के, उसमें कम से कम आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि पेपर्स के आंसर्स किस तरह से सॉल्व करने हैं उसका करेक्ट और इजी मेथड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उसको आप लोग देखिए, किस तरह से पेपर पैटर्न सॉल्व करने हैं, तो आपके मार्क्स जो छूट जाते हैं वो नहीं छूटेंगे और अच्छी राइटिंग भी हो जाएगी आप लोगों की. और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और रीड कीजिएगा. एक लेसन कम से कम 20 टाइम आपका रीड करके होना चाहिए. 6 महीने में एक लेसन 20 टाइम रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो ये था आज के मेरे वीडियो का टिप. तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.